जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको एक फ़ैन रिपेयर करके दिखाएंगे। ये हमारा सीलिंग फ़ैन है। इस सीलिंग फ़ैन में प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा स्लो चलता है और साथ ही साथ इसमें से आवाज़ आती है। तो आवाज़ क्यों आती है, इसके कई कारण हो सकते हैं और स्लो चलने के भी कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले स्लो चलने का मैं कारण बता दूँ तो स्लो चलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है वोल्टेज का कम होना। अगर इसमें वोल्टेज को कम दिया जाता है, यानी 220 वोल्ट के एसी सप्लाई से चलने वाले किसी भी उपकरण को अगर कम वोल्टेज दिया जाए तो वो उतने प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएगा, अर्थात स्लो चलेगा। अब देखिए, दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि पंखा कहीं से जाम होगा तो बैरिंग या बुश खराब हो जाएगा तो भी हमारा पंखा जाम चलने लगेगा और स्लो चलने लगेगा। इसके बाद हमारा तीसरा प्रॉब्लम ये आता है कि शाफ्ट कभी कभी कट जाता है, तो शाफ्ट कटने की वजह से भी हमारा पंखा स्लो चलने लगता है। चौथी प्रॉब्लम यह है कि पंखे के साथ लगा हुआ कैपेसिटर, ये जो आप देख रहे हैं कैपेसिटर, वीक हो जाता है और वीक होने की वजह से ये पूरी तरह से झटका नहीं दे पाता है, जिससे हमारा पंखा स्लो चलने लगता है। और कभी कभी आप देखे होंगे कि पंखे को हाथ से भी घुमाना पड़ता है, तो ये कैपेसिटर की कमी हो सकती है और साथ ही साथ बैरिंग का खराब होना भी इसमें शामिल है। तो कई सारे कारण हो सकते हैं पंखे स्लो चलने के। और दूसरी बात यह है कि इसमें से आवाज़ आ रही है, तो आवाज़ आने के भी कई कारण हो सकते हैं। आवाज़ आने के कारण ये हो सकते हैं, जैसे रोटर और स्टेटर के बीच में घर्षण हो रहा होगा, तो पंखे की फिटिंग सही नहीं हुई होगी, इसकी वजह से वो हमारे रोटर और स्टेटर के बीच में जो गैप है वो अच्छे प्रकार से मेंटेन नहीं हो पा रहा होगा, तो ये भी एक आवाज़ आने के कारण हो सकते हैं। आवाज़ आने का तीसरा कारण ये हो सकता है कि जो बुश या बैरिंग होती है उसका छर्रा फूट जाता है या फिर किसी प्रकार से उसमें कुछ कंकड़ वगैरह घुस जाता है, जिसकी वजह से भी आवाज़ आ सकती है। और चौथी प्रॉब्लम यह है कि उसकी ग्रीसिंग ज़्यादा दिन की हुई होगी, जिसकी वजह से भी हमारी बैरिंग में आवाज़ आने लगती है और हमारा पंखा खट खट की आवाज़ या फिर स्लो चलने जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस पंखे को पहले हम चलाकर देखेंगे और चला के देखने के बाद इसमें क्या प्रॉब्लम है इसको हम रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीन तार निकले हुए हैं, तीनों तारों को कैसे जोड़ना है हम इसको भी बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर हमारे पास है, मल्टीमीटर के द्वारा पहले इसको चेक कर लेंगे कि किस प्रकार से इसको जोड़ना है, कहाँ पे कौन सा तार जोड़ना होगा। तो यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी रेंज पर सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके दोनों प्रोब से इन तीनों तारों को बारी बारी से चेक करेंगे। देखिए, सबसे पहले रेंडमली किसी एक वायर को चूज कर लेना, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर व्हाइट वाले तार को यहाँ पर पकड़ लिए। अब देखिए यहाँ पर दो तार और बचे हुए हैं, इन दोनों तारों को ब्लैक वाली प्रोब से बारी बारी से चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए, एक तार पर हम यहाँ पर टच कराते हैं तो यहाँ पर रीडिंग कितनी आ रही है, लगभग 158 के आसपास में रीडिंग यहाँ पर दिखा रहा है। अब देखिए, अब हमारा जो रेड प्रोब है इसको हटाना नहीं है, यहाँ पर हमको सिर्फ याद रखना है कि कहाँ पर कौन सी रीडिंग आई है। तो रेड वाले तार पर 158 रीडिंग आई है। अब हम ग्रीन वाले तार को चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए कितनी रीडिंग आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 501 के आसपास में रीडिंग आ रही है, यानी कि 500 रीडिंग मान के चलिए 500 रीडिंग यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर 158, यहाँ पर 501। अब देखिए हमको फाइंड क्या करना है, कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग। किसी भी मोटर में जिन दो तारों पर रीडिंग सबसे अधिक आती है उन्हीं दोनों तारों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा तार हमारा कॉमन का होगा। अभी तक देखिए हमने व्हाइट वाले तार पर ये रेड वाली प्रोब लगाई थी, तो यहाँ पर 158 रीडिंग आई रेड वाले तार पर, और जो हमारा ग्रीन वाला तार है इस पर 500 रीडिंग आई है। अभी तक का जो सबसे ज़्यादा रीडिंग है वो 500 है। अब देखिए, अब हम इन दोनों तारों को प्रोब से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों तारों को इस प्रकार से चेक कर लेना है, यहाँ पर कितनी रीडिंग आ रही है। तो यहाँ पर 345-44 के आसपास में रीडिंग आ रही है, मतलब कि अभी तक की जो सबसे ज़्यादा रीडिंग आई थी वो 500 के आसपास में थी। तो 500 के आसपास में किस दो तारों पर आई थी जिसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक तार हम व्हाइट पर रख लेते हैं और एक प्रोब हम दूसरे तार पर रख लेते हैं, ग्रीन वाले तार पर रख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 500 रीडिंग दिखा रहा है, मतलब कि इन दोनों तारों को छोड़कर हमारा बचा हुआ तार जो होगा वो कॉमन का तार होगा। मतलब ये हुआ हमारा जो रेड वाला तार है ये कॉमन हो गया, और ये जो हमारे तार हैं ये रनिंग और स्टार्टिंग के तार हैं। अब देखिए, रनिंग और स्टार्टिंग के तार में ही कैपेसिटर जोड़ देना है। देखिए, कैपेसिटर का एक तार हम ग्रीन वाले में जोड़ देते हैं और कैपेसिटर का दूसरा तार हम व्हाइट वाले में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तार हमने व्हाइट वाले तार में जोड़ लिया और दूसरा तार हमने ग्रीन वाले तार में जोड़ लिया।
अब देखिए जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो सप्लाई कहाँ कहाँ पे देते हैं, एक तो हमारा कॉमन वाला तार बचा हुआ है, कॉमन वाले तार पर सप्लाई तो देना ही देना है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन वाले तार पर हमने एक तार जोड़ लिया है, और अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इन दोनों तारों पर यानी कि जहाँ पर हमने कैपेसिटर जोड़ा है, जहाँ पर हमने कैपेसिटर जोड़ा है इन दोनों तारों पर बारी बारी से लगाकर चेक कर लेंगे, अगर हमारा पंखा जिस पर सही चल रहा है हम उसी पर इस तार को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए पंखे को थोड़ा सा हम ऊपर उठा लेते हैं ताकि इसको चलाने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और हम इसको सीरीज बोर्ड में लगाकर चेक कर लेते हैं। इस मल्टीमीटर को यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पर देखिए हमारा सीरीज बोर्ड है, सीरीज बोर्ड में हम इसको लगा लेते हैं, और लगाने के बाद हम इसको चेक करके दिखाएंगे। देखिए सीरीज वाले तार को पहले टच करा लेना है, तो यहाँ पर देखिए सीरीज का बल्ब जल रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो कैपेसिटर के तार हमने जोड़े हुए हैं इन्हीं दोनों तारों पर बारी बारी से चेक करना है, जिस पर हमारा पंखा सीधा चलेगा हम उसी पर तार को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन वाले तार पर हमारा पंखा सीधी दिशा में चल रहा है, मतलब कि हमारा जो ये ग्रीन वाला तार है इसी पे हमको सप्लाई देना है। और यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा आवाज़ भी कर रहा है, आपको माइक की तरफ लेके जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक की तरफ हम इसको लेके जा रहे हैं, आप सुन सकते हैं आवाज़ को। तो यही इसमें प्रॉब्लम है, इसकी बैरिंग ख़राब है और ये स्लो भी चल रहा है, ये पूरी तरह से अपनी गति से नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम इसकी बैरिंग को चेंज कर देंगे, हालांकि कभी कभी ये भी कंडीशन होती है कि बैरिंग को ग्रीस और तेल डालकर भी सही किया जा सकता है, बट यहाँ पर हम बैरिंग को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटर के तार को छोड़ा लेना है इस प्रकार से, और अब हम इसको ओपन करते हैं, इस पंखे को खोल लेना है। हम आपको पूरी नॉलेज देंगे पंखा को खोलने से लेकर पंखा को बांधने तक की, और पंखा को चलाकर भी दिखाएंगे, बैरिंग लगाकर दिखाएंगे, बैरिंग एक्सचेंज करके दिखाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो लंबी हो सकती है पर आपको प्रॉपर जानकारी यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए हम इसको खोल लेना है, यहाँ पर देखिए जहाँ पर दो दो जोड़े स्क्रू लगे हुए हैं इन दोनों जोड़ों स्क्रू को नहीं खोलना है, ये हमारे ब्लेड वाले स्क्रू होते हैं। कितने लोग होते हैं ब्लेड वाले स्क्रू को भी खोलने लगते हैं, तो यहाँ से कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, आपका ये बॉडी नहीं खुलेगी। तो यहाँ पर देखिए जो सिंगल सिंगल वाले नट लगे हुए हैं इसको खोलना है, तो यहाँ पर देखिए एक सिंगल नट यहाँ पर लगा हुआ है, इसको हम ओपन कर लेते हैं, और दूसरे सिंगल नट को भी हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। सभी नट को बारी बारी से खोल लेना है, और खोलने के बाद यहाँ पर ऊपर वाली बॉडी को निकाल देना है और नीचे वाले बॉडी को भी निकाल देना है। यहाँ पर कभी कभी जो पंखा होता है ये आसानी से खुलता नहीं है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए हम किस प्रकार से इसको ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए दो नट हमारे निकल चुके हैं, और तीसरे स्क्रू को भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए तीसरा भी स्क्रू हमारा खुल गया है। अब देखिए अभी हमारी बॉडी पूरी तरह से खुल चुकी है, अब इसको कैसे निकालना है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो कुछ पंखे होते हैं इसको ऐसे करने पर ही निकल जाता है, लेकिन कुछ पंखे ऐसे होते हैं जिसमें जो पीछे वाली बैरिंग होती है, यहाँ पर जो बैरिंग होती है ये बैरिंग यहाँ पर जकड़ लेती है, शाफ्ट के साथ ही निकलना चाहती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पेचकस की मदद से यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जगह बनाएंगे, ताकि हमारा जो बैरिंग के साथ भी अगर निकलना चाहे तो ये आसानी से निकल सके। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से जगह बना लेना है, एक स्क्रू ड्राइवर की मदद और लेनी पड़ेगी। यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर को हम यहाँ पर लगा लेते हैं ताकि ये हमारा चारों तरफ से ओपन हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से लगा लेना है, और साथ ही साथ दूसरे स्क्रू ड्राइवर को भी इस प्रकार से लगा लेना है। तो ऐसे हम लगाते हुए चले जाएंगे और ये हमारा ओपन होता चला जाएगा, अगर बैरिंग के साथ भी निकलेगा तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हम कुछ और जुगाड़ लगाकर इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इसके बीच में एक स्क्रू डाल देंगे ताकि यहाँ से प्रॉपर तरीके से जगह बनी रहे, और इसके आगे हम खोलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक स्क्रू को हम यहाँ पर लगा देते हैं ताकि ये हमारा जितना खुला हुआ है उतना खुला रहे। यहाँ पर भी हम एक स्क्रू लगा लेंगे, इसकी प्रकार से धीरे धीरे इसको खोल लेना है, ये हमारा धीरे धीरे पंखा खुल जाएगा। इसको घुमा घुमा कर कुछ इस प्रकार से खोल लेना है। इसकी जो बैरिंग है ये आगे की तरफ लगी हुई है, जो बैरिंग वही बैरिंग हमारी पकड़ रही है, बैरिंग के साथ साथ ये हमारा शाफ्ट के साथ साथ बैरिंग भी निकल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी जगह बन चुकी है, अभी हमारा प्लेट बाहर वाला निकलने ही वाला है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाला प्लेट निकल चुका है कुछ इस प्रकार से, ये हमारा बैरिंग के साथ साथ निकला हुआ है, ये जो इस स्लॉट में बैरिंग लगी थी तो ये बैरिंग के साथ साथ हमारा शाफ्ट भी निकल चुका है। कुछ बैरिंग जो होती हैं इसी में रुक जाती हैं, तो कुछ बैरिंग यहाँ से निकल आती हैं, तो इसी वजह से हमारा जो प्लेट था निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो कोई बात नहीं, हम इसको भी निकाल कर चेंज कर लेंगे।
ये जो हमारी बैरिंग है देखिए, इसको घुमाने पर थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है। हालांकि ये बैरिंग फ्री तो घूम रही है, बट इसमें थोड़ी सी डग आ चुकी है, तो इस वजह से हमारी आवाज कर रही है। तो अब हम ऊपर वाले बैरिंग को भी निकाल लेंगे। ऊपर वाले बैरिंग को निकालने की हमको करना क्या है, यहाँ पर देखिए जो हमारे वायर हैं, इस वायर को ऐसे ही रहने देना है। और यहाँ पर देखिए इस बॉडी को पकड़ना है, और बॉडी को पकड़ने के बाद यहाँ पर किसी भी लकड़ी से ठोकर मारना है। हालांकि हम यहाँ से हथौड़ी से मार रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप हथौड़ी से मत मारिए, ये फूटने का भय रहता है। और ये हमारा धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा, ये भी हमारा धीरे धीरे बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये देखिए बाहर निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस वायर को इस कटे हुए खांचे के अंदर डाल देंगे, ताकि ये हमारा प्रॉपर तरीके से बाहर की तरफ निकले, ये हमारा वायर कहीं से कटे पीटे ना। तो इसको हम यहाँ से अंदर डाल लेंगे, अंदर डालने से हमारा वायर सेफ बच जाएगा। और यहाँ से हम इसको इस प्रकार से निकाल लेते हैं। ये हमारा स्टेटर निकल चुका है। यहाँ पर देखिए इस बैरिंग को घुमाने पर ये रुक रुक कर घूम रही है, और करकराहट की आवाज़ भी आ रही है। तो इस बैरिंग को भी हम चेंज कर देंगे, और जो हमारी ये वाली बैरिंग है इसको भी हम चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए बैरिंग पुलर की मदद से इसको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ये वाली बैरिंग निकाल लेंगे बाहर। ये जो हमारी बैरिंग है ये 6201 है, और यहाँ पर जो ऊपर वाली बैरिंग होती है ये हमारी 6202 नंबर की बैरिंग होती है। ये जो हमारा बैरिंग पुलर है ये शाफ्ट में फंसी हुई बैरिंग को निकालने के लिए होता है, और जो हमारा दूसरा बैरिंग पुलर होता है सीलिंग फैन की बैरिंग को निकालने वाला, जो हमारे स्लॉट में लगा होता है, वो हम अभी आपको निकाल कर दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि इसको कैसे निकालना है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो इस लीवर को पहले ढीला कर लेना है, ढीला उतना ही करना है जितना में ये हमारी बैरिंग के नीचे जाकर बैठ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एंगल बैरिंग के दोनों तरफ बैठ जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस लीवर को टाइट कर देंगे। लीवर को जैसे जैसे टाइट करेंगे वैसे वैसे हमारी बैरिंग ऊपर की तरफ आना प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हम इसको करके देख लेते हैं। पहले इस लीवर को इस प्रकार से टाइट कर लेना है, और यहाँ पर हमारी जो बैरिंग है, बैरिंग को यहाँ पर देखिए ये जो हमारा लीवर है ये पकड़ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से घुमाएंगे। इसको जैसे जैसे घुमाएंगे हमारी बैरिंग वैसे वैसे ऊपर आती हुई चली जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार से पकड़ कर इस प्रकार से घुमाना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो बैरिंग है ये ऊपर की तरफ आ रही है। देखिए ये हमारा बैरिंग निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। ये हमारी बैरिंग बाहर आ चुकी है। ये जो हमारी बैरिंग का नंबर है 6201 नंबर की ये बैरिंग है। अब देखिए यहाँ पर एक स्प्रिंग भी लगी हुई है, तो इस स्प्रिंग को यहाँ पर लगा ही रहने देते हैं। इसमें थोड़ा सा आयल ग्रीसिंग भी कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरी बैरिंग को भी निकालेंगे। तो इस बैरिंग को निकालने के लिए ये हमारा पुलर काम नहीं करेगा, इस पुलर से हम इसको नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमारा दूसरा पुलर आता है, ये देखिए इस पुलर से हम इसको निकालेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस पुलर के बारे में थोड़ा सा बता दें आपको। तो इस पुलर से 6201 6202 दोनों ही बैरिंग निकल सकती हैं। देखिए ये जो पतला वाला सिरा है इससे 6201 नंबर की बैरिंग निकलती है, और जो हमारा मोटा वाला सिरा है इससे 6202 नंबर की बैरिंग निकलती है। इसको निकालने का तरीका मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा एडजस्टेबल नट है इसको पहले ढीला कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से ढीला कर लेंगे, ताकि ये हमारी स्टील की पट्टी है जो ये बाहर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए ये बाहर आ चुकी है। अब हमको करना क्या है, सिंपली कुछ नहीं करना है, ये जो नट है एडजस्टेबल नट इसको ढीला कर लेना है। ढीला करने के बाद ये जो कटोरी है इस कटोरी को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रख लेना है, और बैरिंग पुलर को इसमें डाल लेना है। बैरिंग पुलर के कौन से वाले छोर को डालना है, मोटे वाले छोर को, क्योंकि हम 6202 यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 6202 वाले छोर को हम यहाँ पर लगा लेंगे, और इसको अंदर की तरफ कुछ इस प्रकार से इंसर्ट करा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको पहले मैं प्रॉपर तरीके से दिखा दूँ यहाँ पर ये कहाँ तक गया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैरिंग के इस पार ये जा चुका है। अब हमको करना क्या है, ये जो पत्ती है हमारी, इस पत्ती को यहाँ पर लगा लेना है। इस नट को थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखिए इस पत्ती को यहाँ पर लगा लेना है, थोड़ा सा यहाँ पर गैप करेंगे, और गैप करने के बाद इसको इसमें लगा लेंगे। ये पत्ती भी बाहर तक जानी चाहिए, और यहाँ पर एक होल बना हुआ है, इस होल तक इसके होल को मिलना चाहिए। ये देखिए जो हमारा होल है ये होल यहाँ तक आना चाहिए, और यहाँ तक जब ये हमारा होल आ जाएगा तो इसमें ये हमारी रिपीट है, इसको हम यहाँ पर डाल देंगे। और ये हमारा यहाँ तक पहुँच चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होल तक पहुँच चुका है। अब हम इस रिपीट को इसमें डाल देंगे। अब देखिए इसके पे डालने के बाद हम क्या करते हैं, एडजस्टेबल नट को पूरी तरह से इसमें टाइट कर देते हैं, ताकि ये कटोरी पर जाकर बैठ जाए। ये देखिए यहाँ पर लग चुका है, और यहाँ पर हम पीछे की तरफ भी आपको दिखा दें, तो यहाँ पर देखिए पट्टी थोड़ी सी निकली हुई है, और ये जो हमारा 6202 का सिरा है ये भी यहाँ पर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस एडजस्टेबल नट को थोड़ा सा यहाँ पर टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद करना क्या है, इस एडजस्टेबल नट को क्लॉकवाइज घुमाना है,
और ये जो हमारा रिपीट वाला सिरा है इसको इस प्रकार से पकड़ लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमको इस प्रकार से घुमा लेना है। ये घुमाते घुमाते ही हमारा जो बैरिंग है ये बाहर की तरफ निकल जाएगी। ये जो हमारी बैरिंग है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रही है। हम इसको ऐसे ही घुमाते रहेंगे जब तक कि हमारी बैरिंग निकल नहीं आती है। तब तक हम इसको प्लायर की मदद से पकड़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी मशक्क़त से निकलती है बैरिंग। अब ये देखिए धीरे धीरे ढीली हो रही है, मतलब कि हमारी बैरिंग जो है वो ऊपर की तरफ आ रही है। ऐसे ही धीरे धीरे घुमाना है, किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये आसान तरीके से हमारी जो बैरिंग है ये निकल जाएगी बाहर की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी बैरिंग निकल चुकी है और ये बैरिंग इस कटोरी में आ चुकी है। अब देखिए ये जो हमारा रिपीट है इसको निकाल लेना है और इस नट को हल्का हल्का ढीला कर लेना है। ढीला करने के बाद इस पत्ती को निकाल लेना है बाहर की तरफ। ये निकल चुकी है। अब देखिए इस बैरिंग को भी हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए बैरिंग हमारी बाहर निकल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके स्लॉट को थोड़ा थोड़ा साफ कर लेंगे किसी कपड़े की मदद से। देखिए हमने इसको साफ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6201 वाली बैरिंग को लगाते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्लेट में 6201 नंबर की बैरिंग लगेगी। सबसे पहले हम 6201 को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्लेट को थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लेना है ताकि ये प्रॉपर तरीके से हमारा साफ़ हो जाए और यहाँ पर बैरिंग लगाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इसकी वजह से इसके स्लॉट को भी साफ़ कर लेना है। यहाँ पर आप ड्राइवर की मदद से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर तरीके से साफ़ हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 6201 नंबर की बैरिंग लगा देंगे। देखिए 6201 नंबर की बैरिंग आप चाहे जिधर से भी लगा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। कुछ लोग सोचते हैं जहाँ पर नंबर होता है उसको अंदर लगाना है या बाहर लगाना है, तो किसी प्रकार से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6201 नंबर की बैरिंग इसमें लगा लेना है। इसमें लगाने के बाद जो हमारी पुरानी बैरिंग है, पुरानी बैरिंग को यहाँ पर रख लेना है और रखने के बाद हथौड़ी या गुटके की मदद से, लकड़ी के गुटके को भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा लकड़ी का गुटका है इसको हम यहाँ पर रख लेंगे और रखने के बाद इसको इस प्रकार से, ये हमारी जो बैरिंग है ये अंदर की तरफ जा रही है, इसको हम प्रॉपर तरीके से चारों तरफ से बैठाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारी बैरिंग 6201 है ये लग चुकी है। अब हम 6202 वाली बैरिंग को भी लगा लेते हैं। ये हमारा दूसरा प्लेट है, इसमें 6202 नंबर की बैरिंग लगा लेना है। तो ये हमारी 6202 नंबर की बैरिंग है, इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। ये देखिए इस पर लिखा हुआ 6202 RS इस पर लिखा हुआ है। तो इसको भी हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लगा लेंगे। यहाँ पर ऐसे एडजस्ट हो जाने के बाद लकड़ी के गुटके की मदद से हम इसको यहाँ पर ठोंक कर बैठा लेंगे इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैरिंग है हमारी आसान तरीके से अंदर जा चुकी है। हम आपको नज़दीक से थोड़ा दिखाने की कोशिश करें तो ये प्रॉपर तरीके से अंदर जा चुकी है। थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, इसको भी हम यहाँ पर गुटके की मदद से यहाँ पर ऐसे करके इसको प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी बैरिंग है ये अंदर लग चुकी है। अब हम इसमें फिटिंग करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारी नीचे वाली प्लेट है 6201 वाली जो प्लेट है इसमें हम क्या करेंगे, स्टेटर को लगाएंगे। सबसे पहले देखिए स्टेटर को इसमें लगा लेते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से लग जाता है अंदर की तरफ, ये प्रॉपर तरीके से लग चुका है। अब हम इसको भी यहाँ पर लगा लेंगे। ये देखिए हमारा प्रॉपर तरीके से स्टेटर रोटर लग चुका है और इसके बीच में एयर गैप भी बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन है। जब हम इसको अंदर की तरफ लगा लेंगे तो ये हमारा प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगा और किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके ऊपर वाले प्लेट को भी इस प्रकार से लगा लेना है। इस शाफ्ट को थोड़ा सा हम कपड़े की मदद से इसको साफ कर लेते हैं और यहाँ पर हम ऊपर वाले प्लेट को लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऊपर वाला प्लेट लग गया है। अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके इसके नट को बराबर बराबर कस देंगे ताकि ये हमारा प्रॉपर तरीके से फिट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इसको हम थोड़ा सा इसको प्रेस करते हैं तो ये हमारा अंदर के तक पहुँच जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा प्लेट ऊपर वाला बैठ चुका है और यहाँ पर देखिए आप किसी प्रकार का कोई भी गैप नहीं है। इसको हम थोड़ा सा दबा देंगे तो ये हमारा बैठ जाएगा और स्क्रू थोड़ा टाइट कर देंगे तो ये हमारा पूरी तरह से इसमें चिपक जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके स्क्रू को टाइट कर देंगे। बराबर बराबर टाइट करना है सभी स्क्रू को ताकि यहाँ पर स्टेटर और रोटर के बीच में गैप जो है ये मेंटेन रहे। तो यहाँ पर देखिए एक स्क्रू को यहाँ पर लगा लेना है और सभी स्क्रू को बारी बारी से इसी प्रकार से टाइट कर देना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हम स्क्रू को टाइट कर रहे हैं ये बराबर बराबर टाइट करना है, कम या ज़्यादा टाइट नहीं करना है। इसको बीच बीच में घुमा कर देखना भी है, सभी स्क्रू को टाइट कर लेना है बराबर बराबर और यहाँ पर बीच बीच में इसको घुमा कर देखना भी है कि हमारा प्रॉपर तरीके से घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जाम घूम रहा है तो हम इसके नट को थोड़ा थोड़ा ढीला करके एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर उठा कर भी चेक कर लेंगे कि हमारा प्रॉपर तरीके से घूम रहा है कि नहीं।
यहाँ पर देखिए ये हमारा प्रॉपर तरीके से घूम रहा है और किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज़ भी नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कैपेसिटर लगा के इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद हम इसको फिट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा रेड वाला तार था ये कॉमन वाला तार था और कैपेसिटर को लगाना था ग्रीन वाले में और वाइट वाले में, तो कैपेसिटर को ग्रीन वाले और वाइट वाले में लगा देंगे। वीडियो के शुरुआत में हमने आपको कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग भी चेक करना बताया था, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने कैपेसिटर को जोड़ लिया है। कैपेसिटर को जोड़ने के बाद इसमें सप्लाई देना है। सबसे पहले देखिए किसी भी चीज़ को हम रिपेयर कर लेते हैं उसको सबसे पहले सीरीज से सप्लाई देना चाहिए। हम डायरेक्ट पैरेलल से सप्लाई नहीं दे सकते। पैरेलल से सप्लाई देते हैं अगर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं तो पैरेलल से सप्लाई दे सकते हैं, बट अगर आप नए मैकेनिक हैं या फिर काम सीख रहे हैं तो आप सीरीज से ही पहले सप्लाई दीजिए, ताकि अगर किसी प्रकार का हमारा उसमें फॉल्ट रहेगा तो हमारा सीरीज बल्ब ग्लो करेगा और हमको ये पता चल जाएगा कि इसमें किसी प्रकार का फॉल्ट अभी भी है। तो देखिए एक तार को जोड़ लेना है कॉमन वाले तार पर और दूसरे तार को हम टच करा के देखेंगे कि हमारा फैन सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक तार को हमने कॉमन पर जोड़ लिया है और दूसरे तार को हम यहाँ पर टच करा करा के देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सीरीज बोर्ड में लगा लेंगे। इस तार को, इस टू पिन टॉप को सीरीज बोर्ड में लगा लेंगे। तो ये देखिए इस टू पिन टॉप को सीरीज बोर्ड में लगा लिए। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा सीरीज बोर्ड सही है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए सीरीज बोर्ड हमारा सही है, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से ऊपर की तरफ उठा लेंगे ताकि हमारा वायर कहीं पर फंसे ना। अब हम क्या करेंगे, एक वायर पर टच कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो फैन है ये प्रॉपर तरीके से घूम रहा है और ये किसी प्रकार की आवाज़ भी नहीं आ रही है इसमें। हालांकि थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है, तो वो इसमें तेल वगैरह डाल देंगे तो ये हमारा आवाज़ ख़त्म हो जाएगी और सही हो जाएगी। तो ये प्रॉपर तरीके से घूम रहा है और स्पीड में घूम रहा है, आप देख सकते हैं। अब हम सीरीज के तार को यहाँ से निकाल लेंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि पंखे को किस प्रकार से ओपन करना है, साथ ही साथ बैरिंग को किस प्रकार से चेंज करना है और उसके बाद पंखे की फिटिंग कैसे करना है, कैपेसिटर को कैसे जोड़ना है और कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग कैसे चेक करना है। तो हमने सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की। तो इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।